Hello students, welcome to the channel. Today we are going to revise NCERT exemplar, of chapter 1. Chapter 1 jiska naam hai chemical reactions. Chemical reactions and equations ke hum karne ja rahe hain NCERT exemplar. Aap dekh rahe hain ki NCERT exemplar that is totally different beta. Don't think ki agar aapne NCERT complete kar liya hai so there is no need of revising NCERT exemplar. अब देखो कि हर क्वेश्चन का एक अलग टाइप है और वो टाइप्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं मींस दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसकी जितनी भी सीरीज है वो आप जरूर देखें. इससे पहले अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड अदर थिंग्स, देन यू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, राइट? सो हियर लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन हियर. Before this, we have completed 11 questions in the previous video. You please watch. So now we are on question number 12. Question number 12, which of the following are endothermic? देखो बात करते हैं endothermic. What do you mean by endothermic? क्या होता है endothermic? Endo का मतलब होता है अंदर. Therm का मतलब होता है heat. ऐसी कोई reaction जिसमें heat की जरूरत पड़े. Means heat किसको देनी पड़े? Reactants को देनी पड़े. और वो रिएक्टेंट को देने पर क्या दे दे? प्रोडक्ट दे दे. तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक. क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक. सो लेट्स सी दिस, व्हिच ऑफ दीज आर एंडोथर्मिक. सो हियर फर्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है? जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या करोगे? डाइल्यूशन मतलब वाटर डालोगे तो बेटा वो तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा. निकालेगा मतलब इवॉल्व करेगा. इवॉल्व करेगा तो मतलब क्या? एक्सोथर्मिक. ये तो क्या बन गया? एक्सोथर्मिक. तो फर्स्ट इज नॉट अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. नाउ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस को जब आप सब्लिमेट करते हैं तो बेटा वो आपको हीट देनी पड़ती है. वी नीड टू गिव हीट एंड देन इट रिएक्ट. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक, राइट? नाउ नेक्स्ट दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो हीट देनी पड़ती है? नो, नेवर. फोर्थ इवेपोरेशन ऑफ वाटर. आप बताओ पानी है ना, वाटर है. अब वाटर को आपको इवेपोरेट करना है तो इवेपोरेट करने के लिए तो हीट देनी पड़ेगी. गर्मियों में आपने देखा होगा ना कि पानी के अंदर से जो क्लॉथ के अंदर से जो पानी होता है वो निकल जाता है. तो अगर क्या होता है, हीट ज्यादा होती है तो ये हीट वो वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं, ठीक है? तो इट्स अ सिंपल रीजन कि मतलब इवेपोरेशन और डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक. तो सेकंड एंड फोर्थ. सो सेकंड एंड फोर्थ व्हिच वन हियर? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट. गॉट इट? राइट. नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. हम कह रहे हैं हमने क्या किया? एक रिएक्शन करवाई. रिएक्शन किस किस के बीच में है? ध्यान से समझो. हमारी जो रिएक्शन है दैट इज इन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड. हम क्या कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड और उसके साथ साथ किसको रिएक्ट करवा रहे हैं? एक्वस. एक्वस का मतलब होता है when it is in a solution, ठीक है? Aqueous lead nitrate. ठीक है? So here let's see that what will form. तो यहाँ से जैसे आप reaction करवाओगे तो यहाँ पर ये देखो क्या बनेगा. Here we see that Pb potassium iodide. It is PbI2. ठीक है? Potassium iodide. Sorry. Potassium iodide. So this is potassium. Potassium कितना होता है बेटा? Ki. ठीक है? लेड नाइट्राइड. लेड क्या होता है? PbNO3 होल्ड ट्वाइस. ठीक है? जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? पोटेशियम किसके साथ जाएगा? नाइट्रेट के साथ. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं KNO3 होल्ड ट्वाइस, ये बनेगा. ठीक है? NO3 होल्ड ट्वाइस और साथ में क्या हो जाएगा? Pb किसके साथ आ जाएगा? I2 के साथ. Pb किसके साथ आ जाएगा? I2 के साथ. सो नाउ हियर while performing the activity if lead nitrate is not available which of the following can be used in the place of lead nitrate. देखो दोबारा double displacement reaction करवा रहा है. एक yellow color का precipitate बनता है किसका बेटा? lead iodide का. precipitate के लिए downside arrow निकाल देते हैं. downside arrow represent precipitate कि यहाँ पे precipitate बन रहा है. ठीक है?
इट इज फॉर्म व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट, अगर यहाँ लेड नाइट्रेट ना होता तो क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, लेड एसीटेट, ठीक है, समझ लो उसको, क्या यूज करते हैं हम, लेड एसीटेट, मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. सो नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप किसी भी ऑयल को बहुत देर तक के लिए रखना चाहते हो, या कोई भी अगर मान लो ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है उसके लिए भी, तो विच टाइप ऑफ गैस यू बी यूज. सो इट्स हीलियम, याद रखिए हीलियम गैस को, या फिर हम क्या डाल देते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस. चिप्स के पैकेट जो होते हैं, जो बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जिसमें खाने का सामान होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एयर को नहीं डालते, क्योंकि एयर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज में सड़ जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या डालना चाहिए, नाइट्रोजन या फिर हम क्या कह रहे हैं, हीलियम गैस. ठीक है, कौन सी होती है, हीलियम गैस, राइट. नाउ हियर कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी. हमें क्या कहा गया कि लैबोरेटरी में रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ रिएक्शन की गई जिसमें ऑक्सीजन को बनाया गया. ठीक है, सो हियर वी हैव पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन हीटेड इट विल गिव यू KCl. आई थिंक आई एम राइटिंग इट फाइव टाइम्स ना, फिफ्थ टाइम आई एम राइटिंग है, तो आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप बताओ. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या यहाँ पर डिकम्पोज हुआ, यस मैम. एक सब्सटेंस ब्रेक हो गया, कितने में ब्रेक हो गया, दो या दो से ज्यादा, तो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो नो, सिंगल प्रोडक्ट तो बनी नहीं रहा, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एंडोथर्मिक है. आप बताओ क्या हीट दी है, बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है. तो फर्स्ट देखो किसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये बता रहे. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, बताइए. अगर किसी भी गैस सिलेंडर में अगर हम ऑक्सीजन को डाल दें तो क्या वो कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या वो केमिकल रिएक्शन है, नो. एयर का लिक्विफिकेशन, नो. कीपिंग पेट्रोल इन अ चैनलाइज्ड इन ओपन, नो. हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेंपरेचर, यस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. क्या होगी ये, केमिकल रिएक्शन, राइट. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट द रिएक्शन टेंपरेचर. देखो क्या कहता है ये, फर्स्ट हम ले रहे हैं यहां से 2H2, ठीक है, आप ले रहे हो ऑक्सीजन, तो H2 कैसा होता है बेटा, हाइड्रोजन तो क्या होती है, गैस. अब ऑक्सीजन आप बताओ, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस. और हमारे पास क्या मिलेगा, H2O, हमारे पास क्या मिलेगा, H2O, ठीक है. तो ये दैट विल बी गैस एंड दिस इज इन लिक्विड. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट द reaction temperature, right. So now here let's see this next question, question number 18, which of the following reactions are combination. आपको बताना है कौन सी reaction ऐसी होंगी जो combination होगी, बताओ मैं combination क्या होती है. सबसे पहले तो बताना चाहिए ना combination कौन सी होती है. combination reaction are those in which two or more reactants combine to form a single product. अगर आप रिएक्टेंट्स को बनाते हैं तो उससे क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है. तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. अब आप बताओ जरा किस किस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ से सेकंड और थर्ड में, बिल्कुल. तो दिस सेकंड एंड कौन सा है, सेकंड और थर्ड कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज योर आंसर, राइट. नाउ हियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. A solution of potassium chloride when mixed with a silver nitrate solution, an insoluble white substance is formed. देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो. वी हैव हियर पोटेशियम क्लोराइड मींस KCl व्हेन मिक्स विद द सिल्वर नाइट्रेट इट इज AgNO3 इट विल फॉर्म. तो क्या होगा देखो जो Ag होगा वो Cl से रिएक्ट करेगा और KNOCl तो क्या बनेगा AgCl प्लस कितना KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड. तो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बताओ बेटा एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए ना आयंस का एक्सचेंज हुआ है. आयन जब एक्सचेंज होते हैं तो क्या बनता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट. क्या बनती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब हम कह रहे हैं आयंस एक्सचेंज होते हैं वी कॉल्ड इट डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है व्हाट इट एंड प्रेसिपिटेशन आल्सो क्या बनेगा प्रेसिपिटेशन आल्सो. ठीक है तो दिस इज गिविंग डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन. राइट नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 20. फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. देखो हियर आई एम सेइंग फेरस सल्फेट डिकम्पोज फेरस सल्फेट FeSO4 ये आंसर यही रखा है इसमें. तो इट डिकम्पोज टूटेगा टूटेगा तो क्या देगा ध्यान रखो भाई FeSO4 जब ब्रेक होता है तो इट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. देखो बर्निंग स्मेल जो आती है वो इसी की आती है. ठीक है प्लस क्या मिलेगा हमारे को SO3 तो दिस इज द रिएक्शन विच वी गेट. तो कौन सी तरह की रिएक्शन थी हीट हो रहा है तो बेटा क्या आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है राइट थर्मल डिकम्पोजिशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. कैन यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखो क्या NCERT में कहीं है मेंशन बट NCERT एग्जांपलर में है इट मींस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो हियर देखो फायरफ्लाइज देखा होगा ना आपने जुगनू जो होते हैं तो इट ग्लो एट नाइट व्हाई because it undergoes a process ek process ke duran wo nikalte hain us process ko kya bolte hain it is called bioluminescence. kya bolte hain usko bioluminescence right theek hai they have a phosphorus compound. dhyan se samjho uske andar kya hota hai beta phosphorus compound hota hai. ठीक है ये जो फॉस्फोरस कंपाउंड होता है ये हीट और लाइट देता है कहां से उसकी बॉडी से. व्हाई डू दे बिकॉज़ दे गो थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस. बायोल्यूमिनेंस उनके अंदर कौन सा सब्सटेंस है फॉस्फोरस और उस वजह से उसको उसके अंदर से हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. राइट नाउ हियर ग्रेप्स हैंगिंग ऑन अ प्लांट डू नॉट फर्मेंट. आपने देखा है कि जो ग्रेप्स लगे हुए होते हैं वो फर्मेंट नहीं होते बट आफ्टर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड उनको हम फर्मेंट कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू द फर्मेंटेशन प्रोसेस. जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है दैट्स ओनली पॉसिबल ये कब पॉसिबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन. जब कैसी कंडीशन हो एनारोबिक. सो हियर एनारोबिक मींस व्हाट एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है तो हियर व्हेन वी सी कि फर्मेंटेशन करना है तो वी विल नॉट टेक एयर देयर. ठीक है हम एयर के एब्सेंस में उसको करते हैं. सो हियर वी सी दैट न्यू प्रोडक्ट शैल फॉर्म नया प्रोडक्ट बन रहा है दोबारा से तो ये कैसी है इरिवर्सिबल. नया प्रोडक्ट जब बनता है तो क्या बोलते हैं बेटा इरिवर्सिबल. अब आपने उसको फर्मेंट कर दिया तो क्या दोबारा से उसको चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते मैम. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये क्या बन जाएगा आपका केमिकल चेंज. कैसा है बेटा केमिकल चेंज आप उसको दोबारा से नहीं बदल सकते परमानेंटली चेंज हो गया वो. ठीक है तो दिस इज इरिवर्सिबल. नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज. इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फिजिकल चेंज की है कौन सी ऐसी है जो केमिकल चेंज की है बहुत इजी है. ठीक है करो फटाफट. इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल तो बताओ देख लो आसान आसान क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है तो हमें सबसे पहले पूछ लिया इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
heating of an iron rod to red hot, curdling of milk, sublimation of solid ammonium chloride. So let's understand this. देखो, A, evaporation जो होता है, evaporation जो होता है, that is a physical change बेटा, physical change, ठीक है? आयरन का रेड हॉट होना दोबारा से आयरन बन जाएगा तो इट इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होना है, ठीक है? यहां से सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, दिस इज आल्सो अ फिजिकल चेंज, राइट? नाउ हियर इफ वी विल टॉक ऑन दिस एलपीजी, बेटा एलपीजी जब गैस जलती है तो दोबारा से हम उसको ले नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज. क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज. मिल्क से जब कर्ड बन गया तो कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है? नॉट पॉसिबल मैम. तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, इसको भी क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज, राइट? गॉट इट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ सम मेटल्स विद द डाइल्यूट HCl, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल, मेटल्स ले रहे हैं और मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ. So what will be the observation? First, silver metal does not show any change. देखो, silver it is placed beyond below hydrogen. Hydrochloric है ना बेटा, hydrochloric से react करवा रहे हो आप, HCl से react करवा रहे हो. तो Ag जो होता है वो नीचे होता है reactivity series में. Ag यहाँ होता है, hydrogen यहाँ होता है ना, तो it is less reactive. तो क्या इसको displace करेगा? No. So there will be no reaction. It will not displace. Why? Why it will not displace? हम क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ये जो है, ये less reactive है किससे? Hydrogen से. दूसरी बात B. The temperature of reaction mixture rises when aluminium is added. Reaction of aluminium with HCl कर लेते हैं. तो बताओ, यहाँ से aluminium क्या करेगा? Exothermic होगी, aluminium chloride बन जाएगा. और क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक है? तो टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पर? राइज करेगा, बिल्कुल. सी, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव. तो सोडियम द हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व. जब सोडियम को ले रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है? सोडियम को HCl के साथ, इट विल फॉर्म NaCl. NaCl प्लस क्या ले रहे हैं बेटा? H2 ले रहे हैं. NaCl को किसके साथ ले रहे हैं? H2 के साथ ले रहे हैं. तो हेयर व्हाट यू ऑब्जर्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक. हाइड्रोजन क्या करता है? कैच करता है फायर को, अकंपनीड बाय द एक्सप्लोजन. इसके साथ एक्सप्लोजन भी होता है, ठीक है? सो हेयर दिस, सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड. देखो, लेड जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ. सो इट विल फॉर्म PbCl2. PbCl2 प्लस आपको मिलेगा H2. PbCl2 प्लस क्या मिलेगा बेटा? H2. सो हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस से क्या प्रोड्यूस होता है? हमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी मेड, राइट? नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 25. अ सब्सटेंस एक्स व्हिच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप. Which is an oxide of a group 2 element is used intensively in the cement industry. एक substance है जो group 2 element का है, उसको use किया जाता है किस चीज के लिए? Cement industry में. This element is present in the bones also. ऐसा वो present है जो bones में भी present होता है. On treatment with water, it form a solution which turn red litmus to blue. और ये क्या करेगा? Red litmus को blue में convert कर देता है. So here, what we need to do? करना क्या है हमारे को? Identify this X. इस X को पहचानना है, ठीक है? Identify this X. So according to this, हमने कहा कि जो substance होगा, it is oxide of element calcium. ये जो भी होगा वो calcium का oxide होगा जो group 2 में है. तो calcium is what? It is present in our bones also. हमारी बोन्स में तो कैल्शियम होता है बेटा, ठीक है? तो कौन होगा ये? CaO. वाटर के साथ जब रिएक्ट करोगे इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस. तो यहाँ पर
बहुत सी अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी. तो दिस इज अ बेसिक सॉल्यूशन विच इज फॉर्म. ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा. और ये अगर बेसिक है तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. रेड को किस में चेंज कर देगा बेटा, ये ब्लू में भी चेंज कर देगा. राइट ठीक है. नाउ हियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, ओके दिस आई हैव टोल्ड ना, 25, 26 का ये रहा. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ठीक है, इन रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, उनको क्लासीफाई करना है. सो लेट्स क्लासीफाई इट, अच्छे से करते हैं. लेड एसीटेट क्या होता है, लेड एसीटेट इट इज CH3COO होल ट्वाइस इनटू Pb, रिएक्ट करवाया HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्ट करके देखो क्या बनेगा, PbCl अलग, PbCl2 अलग, और ये बनेगा हमारा CH3COOH. तो बोलो दोनों में आयन इंटरचेंज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट. राइट नाउ सोडियम, सोडियम इज एडेड टू इथेनॉल C2H5OH. याद है ना, इथेनॉल OH लग जाता है, इथेन इसलिए. तो यहाँ से आप देखते हैं इट विल रिएक्ट एंड इट विल गिव यू C2H5ONA. हाइड्रोजन हट गया, H2 हट गया, बस इतना ही करना है, H2 को हटाना है. H2 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है, नाउ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, सो इट विल गिव यू Fe. क्या कहता है, Fe दो. ठीक है, अभी मैं इसको बैलेंस करूंगी, डोंट वरी कि मैम ने ऐसे ही करवा दिया. Fe एंड देन CO2. ठीक है, नाउ हियर लास्ट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S react with the oxygen O2 and it will give you sulfur plus, क्या देता है, water. ठीक है, so let's balance it now. अब हम क्या करते हैं, इसका balance ही करना शुरू करते हैं. so in this first देखो कैसे कैसे balance करेंगे. here in the first we have lead acetate. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बड़े वाले formula वाला लेना होता है. बड़ा वाला formula के according अगर हम इस तो question को करेंगे तो फर्स्ट सी इट कि कहाँ कहाँ कौन कौन मिसिंग है. आई एम डिक्टेटिंग डिफरेंट कलर ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो हियर दिस इज CH3, बिल्कुल ओके, आई रिपीट इट, यहाँ पर है 3. ठीक है, ये पहले से ही है. तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर है CH3 और यहाँ क्या है 1, तो तीनों ने क्या हो गया 4, तीनों ने क्या हो गया 4, 3 यहाँ 1 यहाँ, है ना. तो 3 और यहां से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको बेटा 2 से. ठीक है, 6 और यहां पर 2 से आ जाए ना, 2 से क्लोरीन 2 है. ये देखो क्लोरीन क्या है, 2 है, Cl2 डबल है. तो यहां भी हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आर यू गेटिंग. ठीक है, यहां से और कुछ है, बस बैलेंस्ड है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना था, देन इट इज बैलेंस्ड. नाउ सोडियम C2H5OH प्लस गिव दिस H2. तो यहां से आप देखो क्या करें बेटा, C2H5 ये भी 5 है, ये कितना है 7, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 5 2 10 और 2 ये टोटल कितना हो गया 12. ठीक है, तो हियर व्हाट वी नीड टू डू, क्या करते हैं यहाँ से इसको 5 और 1 6 6 है ना, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा ये 12. राइट नाउ कार्बन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 बैलेंस्ड. सोडियम, सोडियम बोलो कितना है यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से. राइट नाउ नेक्स्ट Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स दिस, बोलो आयरन कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से. ठीक है, कार्बन देखो 3 यहाँ 1 यहाँ, तो 4 हो गई है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, तो तीनों 3 कितने हो गए 6. यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, दैट इज ऑल्सो बैलेंस नाउ. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते जाना है, कुछ नहीं. अब देखो H2S प्लस O2, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2OH4, तो मल्टीप्लाई कर दो मैम 2 से. और सल्फर कितने हो गए 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हमसे 2 से. ठीक है, दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शंस. ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज क्लियर टू यू.
ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोज. थैंक यू. बाय बाय.